हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ बात कहे और सामने वाला आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता, तो आप ये सोचने लगते हैं कि काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं इससे कोई भी काम करवा पाता। लेकिन क्या हो अगर आपको कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स पता चल जाए जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों के बिहेवियर को समझकर किसी भी इंसान को कंट्रोल करके अपनी बात मनवा सकते हैं, चाहे फिर वो सिचुएशन कितनी भी मुश्किल लगती हो। हाउ टू एनालाइज पीपल, डार्क साइकोलॉजी को बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स विलियम्स जैसे महान इंसान के द्वारा लिखा गया था, जिसकी मदद आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान समझने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो हिलते डुलते हैं और कैसे वो खुद थामे रखते हैं। वैसे तो हर इंसान के जीने का ढंग अलग हो सकता है, यानी उनमें कल्चरल या रीजन वाइज डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कई ऐसी सिमिलरिटी पाई जाती है जिन्हें जान कर आप उनके फंक्शन को समझ सकते हैं। तो ऑथर आपको इसका सबसे आसान तरीका बताते हैं और कहते, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए पहले आपको खुद के बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर होना होगा। आप कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं। इस पहले पार्ट में आप खुद के और दूसरे के बॉडी लैंग्वेज के मूवमेंट के बारे जानेंगे, एनालाइज करके ये भी जानेंगे कि आप सबसे अलग कैसे बन सकते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, इस बात को ध्यान में रखना आपके लिए काफी जरूरी है। कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे कुछ लोग मोडेस्टी को फॉलो करते हैं, जहां पर सामने वाले से हाथ मिलाना अच्छा नहीं माना जाता है, और दूसरों कल्चर्स में लोग अपने शरीर के जरिए खुलकर सामने आते और खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्टडिंग अदर्स मूवमेंट्स, जब आप नए लोग से मिले तो उनके बॉडी मूवमेंट का अध्ययन करें, या फिर आप देखें कि आपके दोस्त, परिवार, टीचर या बॉस दूसरों से मिलते हैं तो वो उनके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं या इनसे क्यों महसूस करते हैं, और उन्हें परखने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस दिखा तो इससे ये सीख सकते हैं कि मुझे भी अपने बॉस तरह नए लोगों से डील करना है। इनसिक्योर और नर्वस लोगों के साथ रिलैक्स्ड होकर बात करना है, जिसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आप डिनर कर रहे, टीवी देख रहे या बैग पे जाने वाले हैं, खुद के सामने एक मिरर रखें या अपने फ्रंट कैमरा में देखें कि आप अपने आप को कैसा पाते हैं। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगोगे तो ये समझने में आसान होगी कि दूसरे लोग कैसा बर्ताव करते हैं। आई कॉन्टैक्ट, जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं, हमारी और सामने वाले की आंखें बता देती कि बातचीत कितनी सच्ची और लंबी होने वाली है। स्टडीज ये बताती है, जब बातचीत के वक्त आप या सामने वाला आंखें मिलकर कर बात करा रहा तो दोनों उस कन्वर्सेशन में रुचि यानी इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन अगर उस दौरान दोनों में से एक ने अपनी को आंखें शिफ्ट करता है यानी इधर उधर देखने लगे, तो इसके तीन तरह का मतलब निकल सकते हैं। चाहे सामने वाला इंसान झूठा है, इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके साथ नर्वस और अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है, या अगर वो फीमेल देखकर लंबे समय तक आंखें मिलाने शुरू कर दे तो समझ जाए कि वो लफंगा भी हो सकता है। माउथ मूवमेंट्स, लोगों के पर्सनैलिटी को समझने के लिए माउथ मूवमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर सामने वाला बात करते वक्त अपने होठों को दाब ले तो समझ ले कि या तो उस बातचीत में कंसेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ छुपाने की। इसके साथ साथ आप उनकी मुस्कुराहट को भी एनालाइज करें। अगर उनके आंखों का किनारा नहीं बढ़ा तो वो जबरदस्ती का मुस्कराना शुरू कर देगा, और इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो वो किसी और चीज के बारे सोच रहा, और दूसरा वो दांत दिखा कर अटैक करने की तैयारी कर है। जैसे जब बंदर दांत दिखता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश है, बल्कि वो अपने आसपास वालों को धमका रहा होता है। और अगर इस बीच सामने वाला अपने मुंह को बंद कर दे या अपनी उंगली दांतों से उंगली चबाने लग जाए तो समझ ले कि वो नर्वस या कमजोर हो चुका है, और ये उन्हें राजी करने का सही टाइमिंग होता है। आप अगले चैप्टर्स में लोगों से अपनी बात कैसे मनवानी है ये सीखने गए। नॉडिंग, वैसे तो हेड मूवमेंट कल्चर हमारे देश में पॉपुलर है, पर कई लोग इनके इशारे को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस बुक 4 ऐसे हेड नॉडिंग के बारे डिस्कस किया गया है जिससे आप लोगों को बेहतर ढंग से परख सकते हैं।
1. जब भी कोई आपको सुन रहा है और उस दौरान उसने अपने सर को जोर से हिलाया तो समझ ले आपकी बातचीत की स्पीड स्लो है और आपको स्पीड बानी होगी। 2. अगर कोई अपने सर कान आंखें को आपके करीब ला रहा तो वो आपको ध्यान से सुनना चाहता है। 3. अगर वो बनावटी बंद सर को हिला रहा तो इसका मतलब वो बातों बातों में कई और खो हो गया था या फिर उससे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे वक्त में टॉपिक बदल ले या फिर से एक्सप्लेन करे। 4. कभी कभी सर मूवमेंट से आप फायदा भी उठा सकते हैं। अगर वो धीरे धीरे अपने सर मूव करता है तो समझे कि वो आपकी बातों को पूरी तरह से समझ रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि सामने वाला आपकी इज्जत करता है और यही वक्त होता है अपनी बात मनवाने का। हैंड्स एंड आर्म्स। ऑथर कहते हैं कि हमारा हाथ हमारे और सामने वाले के बारे बहुत सी चीज बताती है। ये स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनेशन और आप किसके साथ कितना खुल के पेश आ रहे इस चीज का इशारा करती है। अगर बात करते वक्त कोई अपना हाथ खुल के आगे रहा या मूवमेंट में ला रहा तो वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर कोई हाथों को अपने कमर पर रखे तो ये इस बात का इशारा देती कि वो अपनी ताकत दिखने के लिए तैयार है, जिससे समझकर आप अपना दाव रख सकते हैं। सिग्नल्स। अगर आपका दोस्त पार्टी करते करते सोफे पे अपनी दबी आंख लेकर लेट जाता है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन अगर कोई उसी सोफे बैठ कर हंस रहा है चिल्ला रहा तो समझ ले कि वो घर जान नहीं चाहता है। ऐसी ही किसी के पास अलग तरह के बॉडी लैंग्वेज क्यूज होते हैं जिनका इस्तेमाल इशारे से किया जाता है। अल्पविराम। अगर आप नए नए लोगों से मिलते हैं तो कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो आपको बातचीत शुरू करने में जरूर मदद करेगी। 1. स्टोन स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। मान लो कि आपके सामने वैसे लोग हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कैसे करें, तो सामने वाले के हरकत को देखे कुछ समय लेकर ये पक्का करे क्या वो भी बात करने के लिए कोई इशारा दे रहे या रही है, जैसे खांसना या टाइम पूछना। लेकिन ऑथर कहता है अगर आप लोगों को काबू करना चाहता है तो कोशिश ये करे कि बिना कुछ फालतू सेंटेंसेस बोले कन्वर्सेशन शुरू करे। अगर आप उमम हमम करेंगे तो ये आपके नर्वस होने का इशारा करेंगे, फिर ऐसे लोगों की बातें कोई अटेंशन के साथ नहीं सुनता है। बातचीत जारी रखने के लिए अगर आपके साथ ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा तो कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें और बोले कि मैं आपको सुन रहा हूँ लेकिन क्या मैं एक बात और ऐड करूँ, और बीच बीच में क्वेश्चन करते जाए। हाउ योर बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट्स यू। ऑथर बताते हैं कि जब अपने दोनों हाथों खोलकर अपने पार्टनर बॉस स्टूडेंट ऑडियंस से बात करते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप ओपन माइंडेड कॉन्फिडेंट नॉलेजेबल इंसान हो, क्योंकि कई स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग अपने हाथ खोल कर बात करते हैं उनका दिमाग तेज होता है और अगर इनके मदद से नंबर्स शेप या प्रेजेंटेशन देते हैं तो इसके कारण आप उन चीजों को लंबे समय तक अपने हाथों की जेस्चर से पूरी स्टोरी ब्रेन स्टोर कर सकते हैं। वर्बल क्यूज। जरूरी ये नहीं कि हर बार लोगों की दिल की बात को उनके जुबान से ही समझे, बल्कि ये सीखना भी बेहतर हो सकता है कि हम उनके बॉडी लैंग्वेज के क्यूज या इशारे की मदद से उनके हालात या दिल की बात को समझ ले। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर का पालतू जानवर को भूख लगती है तो आप उनके इशारे और एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि इनको खाना देने का वक्त हो गया है। इसी इंसानों को एनालाइज करने की कोशिश कर द पावर ऑफ योर बॉडी। आज के वक्त में ज्यादातर लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पावर पैसे से किसी को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है उपेर वाले ने उन्हें एक चीज दी जिससे वो किसी को भी मायल कर दे और वो उनकी मुस्कुराहट होती है। ये एक ऐसा टूल है जो बुरे हालात को भी अच्छे में बदल दे। आप अपने स्माइल के जरिए दुश्मन से भी दोस्ती कर सकते हैं और झगड़े को सुलझा सकते हैं। चैप्टर 2 ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको पता ही होगा कि जो प्लेन हमारे ऊपर से गुजरती रहती है उससे उड़ाने से पहले पायलट को कई महीनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब आप सोचे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो समझते है किस भी चीज कंट्रोल करने लिए सबसे पहले उसके सिस्टम को समझना जरूरी है। ठीक इसी तरह अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ गए तो जरूरत पड़ने पर अपने बॉस को भी कंट्रोल करके अपनी बात मनवा सकते हैं और बॉस बनने पे एम्प्लॉयज को, बस शर्त ये है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं।
मान ले दो अलग अलग लड़के उनके परिवार वालों ने किसी कारण उन्हें घर से निकल दिया और किस तरह वो दोनों एक दूसरे से मिले तो आप देखेंगे आगे चलकर उनकी दोस्ती ज्यादा गहरी हो जाती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को ऐसी कहानी बताई जिसमें वो कमजोर और लाचार मालूम हो रहे थे। दोनों के हालत एक जैसे होने की वजह से उनके बीच इमोशनल बॉन्डिंग बन गई। यानी आप नए लोगों से कनेक्शन बनाने के इतना सीक्रेट शेयर कर सकते जो जिससे सामने वाले के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो जाए। दूसरा, आस्क फॉर हेल्प। इस तरह से मदद मांगनी है जिनसे उन्हें लगे कि आप उससे काबिल, समझदार और भरोसे लायक समझते हैं। ऐसा करने से आप उन्हें मौका दे रहे हैं और उन्हें ये भी महसूस होगा कि मैं उस लायक हूँ कि दूसरों की मुसीबत हल कर सकता हूँ। जैसे उनसे थोड़े अमाउंट में पैसे या कोई सामान उधर पे ले, उन्हें शॉपिंग में साथ चलने कहे या हफ्ते में एक बार चाय पे बुला ले। इन छोटी छोटी बातों से कि आप एक दूसरे के कनेक्ट हो जाएंगे। तीसरा, आस्क मोर। एक और तरीका है किसी से भी अपनी बात मनवाने की, यानी जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज्यादा अमाउंट में हेल्प मांगे और फिर एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करे। ये स्ट्रैटेजी आप बिजनेस, स्पोर्ट्स, क्लासरूम और फ्रेंडशिप में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान ले कि आपका एग्जाम करीब है और आपके पास इतना टाइम नहीं कि सारे नोट लिख कर सबमिट कर सको, तो इस सिचुएशन में आप कोई ऐसे बंदे को ढूंढ ले जो आपके नोट कंप्लीट कर सकेगा, लेकिन आपको उससे मनाना होगा। तो पहले उसे सारे नोट्स कंप्लीट करने बोलो, यानी कहो कि मेरे 6 नोट्स को प्लेटे कर दो। तो ये सुनकर शायद वो मन कर दे, फिर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी कम दो और बोलो अब मना नहीं करना, दो तो बना ही सकते हो। इस तरह वो आपकी बात जरूर मानेगा क्योंकि उससे बुरा फील होगा वो, इसलिए उसने आपके पहले रिक्वेस्ट ठुकरा दिया था, अब दूसरी बार दिल नहीं तोड़ना चाहेगा। मेकिंग कनेक्शंस। ऑथर कहते हैं जिन्हें हम जानते हैं उनके साथ गहरी कनेक्शन बनाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन जब बात नए लोगों से मिलने की होती है तो इस काम के लिए कुछ ही तरीके हैं। पहला, यूज द नाम। अगर आपको नए लोगों के साथ कनेक्शन गहरे करने हैं तो उसके लिए सामने वाले को नाम से पुकारे। आप खुद ही सोचे, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हर बार बॉस आपको ओ लंबे बाल वाले, ओ चश्मिश या ओ भाई कह के पुकारे तो एक वक्त में ये आपके लिए डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा, जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकोगे। लेकिन जिंदगी में कभी आप बॉस बने तो कोशिश ये करे कि कंपनी के हर एक एम्प्लॉयज के नाम याद कर ले और उन्हें नाम से पुकारे, जिससे उनको लगेगा कि आप उनके बारे में सोचते या ख्याल करते हैं। अक्सर घरों में ये भी देखा गया है कि पति अपनी पत्नी के साथ पूरी उम्र गुजार देता है, लेकिन कभी प्यार से उसका नाम नहीं लेता, जिनके वजह वे सही ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाते। बात तो उनके लिए करते हैं, लेकिन उनसे कभी करते। चैप्टर 3, सबलिमिनल पर्सुएशन में। सबलिमिनल पर्सुएशन डार्क पीएचए साइकोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जिसका इस्तेमाल सेल्स, मार्केटिंग, रिलेशनशिप या किसी भी टफ सिचुएशन को हैंडल करने या अपनी बात मनवाकर उसका कंट्रोल अपने हाथ पे ले सकते हैं, जो एक एक सीक्रेट टैक्टिक है। अल्पविराम, लेकिन इसे सीखने या इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। डॉट रूल नो 1, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के नहीं कर सकते हैं। रूल नो 2, जब आप अपनी बात रखे तो आपके वर्ड्स क्लियर और फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकलने चाहे, आपकी बातें घुमाने या कंफ्यूज करने वाली नहीं हो चाहे। रूल नो 3, आप जिस काम के लिए अपनी बात रखने वाले हैं उसकी पहले से तैयारी कर ले, चाहे वो उधर लेना, प्रोडक्ट बेचना, नोट्स मांगना, प्रोजेक्ट बनवाना आदि, और आपकी सारी बातों से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहे। रूल नंबर 4, बात करने वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल अपीयरेंस से ये साफ दिखना चाहे कि आप किस काम के लिए बोलने वाले हैं। जैसे अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मांग करने से बचे। ऑथर के कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। मान ले एक घर में दो भाई रहते हैं, एक नाम राहुल और दूसरे का नाम एक सैम है। राहुल ने अपनी बात मनवाने के लिए पेरेंट्स से कहा, मेरी जॉब चली गई, बिल के लिए पैसे भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगा, इसलिए मुझे आपसे 50,000 रुपए उधार में चाहिए। वही सैम अपने पेरेंट्स से कहता है, मेरी जॉब चली गई, लेकिन मैं एक नई जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मिलकर रहेगी, जिससे मुझे बिल जमा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, न पैसे लौटने में, बस मुझे कुछ दिनों के लिए आपसे 50,000 उधार चाहिए।
अब आप खुद ही कमेंट में बताएं कि पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी किसके बात करने की तरीके से बन रही है। इसी तरह अगर आपको दोस्तों के घर पार्टी करने मनन हो तो उन्हें ऐसे न बोले कि भाई कल तेरे घर में हमें पार्टी करना है, खूब मस्ती करने गए, बल्कि ये कहे क्या हो अगर कल रात हम सब मिलकर पार्टी करें, खूब मस्ती करें और अगले संडे हम साथ मिलकर सफाई करके और रिलैक्स हो जाए। ये दूसरी वाली बात सुनकर चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाले आपको मना नहीं करेगा। इस तरह आपने जिस फील्ड में है आप किसी से भी अपनी बात मनवा अपना काम निकल सकते हैं। बस कभी सिचुएशन अलग होते हैं लेकिन फिर उनमें कुछ सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करें और बस ये याद रखें आपकी नियत साफ होनी चाहिए। सो रीडर्स, आई होप आपने इस समरी की मदद से ये जरूर सीखा होगा कि आप लोगों को कैसे बॉडी लैंग्वेज को समझ और परख सकते हैं, कैसे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और कुछ सिमिलर पॉइंट पकड़कर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ऐसे बात मनवा सकते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो। दोस्तों, आपको इस किताब की समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप किसी किताब की हिंदी में समरी चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर उसकी समरी का वीडियो बनाएंगे। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।